वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के बारे में बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी। उसी के बीच में कल जो 5 अप्रैल को सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, उसी सुनवाई के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों क्या न्यूज़ आई है, प्रदेश के 15,000 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति पर हाई कोर्ट में सुनवाई। अब सरकार ने कहा अगले सत्र में गेस्ट फैकल्टी से कराएंगे कंप्यूटर की पढ़ाई। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि सरकार ने पहले शपथ पत्र दिया था, उसी के बारे में भी इसमें बात की गई है। और जो अगली सुनवाई है वो कब है इसके बारे में, और अभी हाल फिलहाल में जो सरकार की तरफ से जो अपने वकील गए सरकारी, उन्होंने कहा कि अभी हाल फिलहाल अगले सत्र से वो गेस्ट फैकल्टी से पढ़ाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी जो है वैकेंसी नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं दोस्तों क्या है पूरी खबर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक लगाने के मामले में लंबित याचिका में राज्य सरकार के एजी ने सोमवार को हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। इसमें कहा कि कंप्यूटर शिक्षक कैडर के भर्ती नियम बनाए जा रहे हैं, वापस बात की है दोस्तों भर्ती नियम बनाए जा रहे हैं, साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षक देने के लिए विद्या संबल योजना, कौन सी योजना, विद्या संबल योजना के तहत संविदा पर गेस्ट फैकल्टी लगाए जाएंगे। इसके विरोध में प्रार्थी के अभी जो अधिवक्ता है टीएन शर्मा ने कहा कि पूर्व में भी सरकार ने संविदा पर ही कंप्यूटर शिक्षकों को रखकर बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दिलवाई थी, सरकार के यह प्रयास असफल रहे। दोस्तों साथ ही कह दिया है कि जो अपने अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा कि जो पहले कंप्यूटर शिक्षक लगाए थे वो असफल रहे थे, इसलिए कंप्यूटर शिक्षकों की जल्दी नियमित नियुक्ति की जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर वे राज्य सरकार के शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई पर अब 19 अप्रैल को तय की है सुनवाई। जस्टिस गोवर्धन बहादुर व एम के व्यास की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश डॉक्टर चेतना यादव व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट में पूर्व का आदेश जारी कर कंप्यूटर शिक्षकों के लिए अलग से कैडर बनाने के भर्ती नियम को कहा गया था, अब तक ना तो कैडर बनाया और ना ही भर्ती नियम। दूसरी ओर करीब 15,000 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक शिक्षा दी जा रही है, तो कैसे दी जा रही है। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर आपके, और जो अगली जो सुनवाई दोस्तों आपकी 19 अप्रैल है, 19 अप्रैल को क्या फैसला आता है। लेकिन जो अगले सत्र से जो है दोस्तों आपकी जो विद्या संबल योजना के तहत है वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में टीचर लगाए जाएंगे कंप्यूटर टीचर। और दोस्तों अगर आपको इसके अलावा कोई भी खबर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।